हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास नाइन स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट में आपने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन, फिर एक्सेलरेशन की बात की थी ना, काफी सारे डिस्कशन हुए थे एक्सेलरेशन के ऊपर, न्यूमेरिकल्स सब में ट्राई करते आज अपन ग्राफिकल कि कैसे ग्राफिकल मेथड से वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, कैसे ग्राफिकल मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से कैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देख सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, काफी चीजें मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल लाइक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट एग्जाम्पल से क्या होगा, एग्जाम्पल से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से अपन चीज़ों को मेजर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जरूरी है अपने लिए, है ना, और कंपलसरी चीज़ें काफ़ी क्लासेज में अपने काम आएंगी, तो इसको ध्यान से समझ। सपोज आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन वर्सेस टाइम, पार्टिकल की पोजीशन वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है और इस एक्सिस पे पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है। यहां से आप स्टार्ट है टी की जो वैल्यू है वो सेकंड में है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7 और पोजीशन प्लस 4, 5, 6 नीचे कितना सकते हो, तो -1, -2, -3, -4 क्या इधर भी ग्राफ बन सकता है, क्या इधर ग्राफ भी बन सकता है, ये एक्सिस इधर भी आ सकती है, क्योंकि टाइम सर भी नेगेटिव में नहीं होता ना, टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए ग्राफ सर उधर का साइड नहीं बन सकता, इधर भी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ को सपोज अपन को ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है फॉर्म क्या, तो इसका मीनिंग क्या समझना है, तो इस टाइप का क्या कैरेक्टर कर सकते हैं। देखो सबसे पहला जब फर्स्ट टाइम तुम इसको ग्राफ को देखोगे तो क्या सबसे पहले तुम देखना स्टार्टिंग पॉइंट, ये ग्राफ ये जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, मतलब पार्टिकल की पोजीशन है वो किस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन कितना है पार्टिकल का 0, करेक्ट। अच्छा अब देखते हैं आप कि पार्टिकल हर सेकंड कितना ट्रेवल करता है, जैसे 1 सेकंड हुआ ना, 1 सेकंड क्या है, सेकंड इस एक्सिस पे जब आप देखोगे यहां से यहां 1 सेकंड हो गया, करेक्ट, तो इस 1 सेकंड में पार्टिकल का जो कहां है वो इस पॉइंट पर है, इतनी इस पॉइंट पर है, ये हाइट कितनी है, हाइट है 1, करेक्ट, तो मतलब 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना मूव किया 1 मीटर। फिर देखो अगले 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना मूव किया, 1 सेकंड से यहाँ पर आया, ये 2 पे आ गया, डिफरेंस कितना हुआ 1 का, तो मतलब अगले 1 सेकंड में पार्टिकल ने फिर से 1 मीटर मूव किया, करेक्ट। तो आप ये देख सकते हो कि पार्टिकल का जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज मुझे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 साल देखना पड़ेगा, यहाँ से आपका टाइम कितना है 4 सेकंड, पार्टिकल का कितना मूव किया है, कितना मूव किया है, कितना है 4, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया 4 मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, टाइम कितना, टाइम कितनी है 4 4 4 कैंसिल 1 और 1 मीटर पर सेकंड प्लस
स्पीड है इसकी बस करने की जरूरत नहीं है, तो 1 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल का स्पीड आपने मेजर कर लिया 1 मीटर पर सेकंड। अब हो सकता है कोई पूछ सकता है सर 4 सेकंड का इंटरवल नहीं लेना चाहता हूं, मैं जो कर लेना चाहता हूं 3 सेकंड का लेना चाहता हूं। तो देखो यहां से यहां तक सेकंड कितना होगा 3, तो आप ये वाली आईडी को नहीं सॉरी ये वाली 3 मीटर, तो डिस्टेंस होगा 3, टाइम होगा 3 1 मीटर पर सेकंड। अब निकाल सकते हैं आप 1 मीटर पर सेकंड, आप 2 सेकंड के टाइम को डिलीट हो जाएगा करंट 2 / 2 देन 1 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह किसी और एक टाइम को डिलीट हो जाएगा करंट। तो आपने पढ़ा दिया कि जब स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर आपने एक जगह पार्टिकल का स्पीड निकाल लिया तो थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल का जो स्पीड है वो ही रहने वाला है जितना एक बार आपने निकाला, एक बार आपने जो मेजर किया है, एक बार मेजर करना पड़ता है उसके बाद पार्टिकल का स्पीड वही रहेगा जो आपको पहले निकाला। 1 मीटर पर सेकंड का आंसर आ रहा है। तो अपने क्या देखा, अपने ये देखा कि पार्टिकल की मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, सेकेंड चीज क्या होता है कि पार्टिकल का स्पीड ये तो सबसे सिंपल ग्राफ था पोजीशन वर्सेस टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से आपने देखा कि पार्टिकल का हम लोग स्पीड मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर किसी चीज करते हैं, सब कुछ भी ग्राफ ऐसा है, स्पीड की टाइम और इसे स्पीड या पोजीशन। आज सिर्फ पोजीशन वर्सेस टाइम का और भी अगर इसको प्रेस करते हैं तो 6 ना लेकर चले जाते हैं 8, ताकि कोड को कम सकते हैं और इधर ज्यादा कम सकते हैं सिर्फ 8। अच्छा आप समझते हैं कि इस ग्राफ का क्या मीनिंग निकलेगा और किस टाइप से अपन को इस ग्राफ को ट्रांसलेट करना है इंफॉर्मेशन में जो हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसमें। सबसे पहले तो कोई चीज देखिए कि पार्टिकल की मोशन कहाँ से स्टार्ट की है, इनिशियल पोजिशन क्या पार्टिकल, तो आपको बोला इनिशियल पोजिशन का 0 राइट आंसर। पार्टिकल स्पीड अगर एक स्ट्रेट लाइन होती तो पार्टिकल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होता और पार्टिकल का जो स्पीड है कहीं भी एक बार मेजर कर लेते तो वो ही रहने वाला था। अब देखो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का होता क्या है, यहाँ पे 3 पीसेज है स्ट्रेट लाइन से, एक पीस स्ट्रेट लाइन का ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, 3 पीस हो गए, मतलब पार्टिकल 3 बार लोकेशन में चेंज किया है ना। अब देखो कितना कितना था, देखो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अब देखते हैं स्पीड पहले कितना कितना लिया, यहां से यहां तक पार्टिकल कितना टाइम लिया 2 सेकंड, कितना टाइम लिया टू सेकंड में क्या टाइम 2 सेकंड में कितना टाइम पार्टिकल पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितना 10, तो 10 मीटर पार्टिकल डिस्टेंस हो गया 10 मीटर और टाइम हो गया 2 सेकंड, तो आगे 5 5 सेकंड, मतलब क्या होगा जब पार्टिकल 0 से 10 तक पहुंचा था 2 सेकंड, तो किस स्पीड में चला होगा 5 की स्पीड में चला होगा, ऐसे जाकर मेजर कर सकते हैं कि भाई
आप बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले देखो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक भी नहीं दिए थे बिल्कुल, जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन का जो पहला एग्जांपल आपने दिया था ना उस टाइप का। देखो टाइम को कौन से फोर्स है कि देखो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं, पार्टिकल की पोजीशन कितनी बनी हुई है टाइम में आपस में, मतलब पार्टिकल एक ही जगह पर रुका हुआ है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं करी, तो इसका यहां से यहां तक पार्टिकल एक ही जगह पर है रुका हुआ है तो स्पीड कितनी होगी। अब इसे देखते हैं, देखो इस वाले में पार्टिकल का क्या है, वापस कितने पे चलेगा, वापस चलेगा यहां मतलब जीरो, अब क्या होगा चलेगा तो एक है, ये तो ये टाइम की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है टाइम की। मैं कह रहा हूं पार्टिकल का टाइम कितना, ये वाले आपको मिल गया जीरो, मतलब टाइम से वापस कहां पे आके जीरो, तो मतलब पार्टिकल कितना चल सकता है कैलकुलेट करना। अच्छा क्वेश्चन है।